अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैंने उतने सस्ते ईयरिंग जो पिछले व्लॉग में मतलब उज़्मा के बर्थडे के पहले जो व्लॉग आया था और उसमें मैंने बताया था मैंने इतने मतलब 20-30 रुपीज़ के ईयरिंग्स इतने हैवी वाले कहाँ से बाय किए। तो आप लोग प्रॉपर एड्रेस जानना चाह रहे थे जो नज़दीक वाले हैं, तो उन लोगों को मैं फिर से बताना चाहती हूँ वो मैंने कहाँ से लिया। तो ये क्लिप उस दिन का है जब मैं शॉपिंग के लिए जाने वाली थी, मतलब जहाँ मैंने अपना व्लॉग क्लोज़ किया था, तो मतलब उज़्मा के बर्थडे के एक दिन पहले। तो मैं यहाँ पे उज़्मा के कपड़े घड़ी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ जो कपड़े थोड़े थोड़े से मतलब स्टिच करने लायक हो गए उसको स्टिच करने के लिए अलग निकाल रही हूँ, और किसी पे बच्ची ने चाय वगैरह के दाग लग गए हैं या खाने पीने के कुछ दाग लग गए तो वो वापस से वॉश करने के लिए निकाल रही हूँ। तो ऐसा है, और मैं बीच बीच में कैमरे में भी नज़र मार रही हूँ कि मेरा कैमरा झुक तो नहीं गया, बिकॉज वो थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, नया लेना है। तो ऐसा है, तो अब मैं इसके बाद जाऊँगी मार्केट। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ है वो शॉप। तो देखिए मैं आ गई हूँ 5 नंबर पे। अभी मैं आई थी उज़्मा के बर्थडे की शॉपिंग के लिए, ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं ये देखूँगी या मैं कुछ खरीदूँगी या मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ये लोग परमानेंट नहीं बैठते यहाँ पर। ये सेकेंड टाइम मुझे वही जगह पर दिखा, इसलिए मैंने उस दिन आप लोगों को रिवर्ट नहीं किया था कि ये है कहाँ पे एग्जैक्टली, ये कहाँ लगाता है अपना शॉप। तो मैंने अब इस बार इससे पूछा कि भाई तुम कंफर्म ये यहाँ लगाते हो, तो उन्होंने बोला हाँ मैं ये यहाँ लगाता हूँ स्टॉल। मैंने बोला एड्रेस मैं प्रॉपरली क्या बोलूँ, अब मेरी फ्रेंड्स पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं ये कहाँ है आपका शॉप, मैं कहाँ बता सकती हूँ। तो उन्होंने बोला वो वहाँ पर एक शोरूम है सहेली बोल के, लेडीज़ का क्लोथ गारमेंट का एक शोरूम है जहाँ पे ट्रेडिशनल वेयर के मतलब हैवी हैवी कपड़े मिलते हैं, और सामने ही नाइटी वाला है तो वहीं पे ये स्टॉल लगता है। तो ये जो ईयरिंग मेरे हाथ में आपने देखा ना, ये ओनली 50 रुपीज़ का था, ओनली 50 रुपीज़, बट वो मुझे 30 में देने के लिए रेडी था, बिकॉज मैं एक नहीं बाय करती हूँ, एक साथ 5-5 बाय करती हूँ, इसलिए लास्ट टाइम भी मैंने 5-5 बाय किया था। तो ये वो 30 रुपीज़ में देने के लिए रेडी हो गया था, बट ये थोड़े हैवी लग रहे थे मुझे। तो आज थोड़ा कुछ नया नया माल आया था और इस बार कुछ डिफेक्ट नहीं था, मुझे ज़्यादा चुनना नहीं पड़ा। मैंने 3 ईयरिंग्स फिर से लिए थे जो कि मैंने उज़्मा के चैनल पे जब उज़्मा की शॉपिंग बता रही थी तब मैंने बताया कि मैंने कौन से 3 ईयरिंग्स बाय किए यहाँ से। तो आप देख सकते हो एकदम फ्रेश स्टॉक था, और यहाँ पर ये 20-20 रुपीज़ वाले थे। तो मैंने सोचा चलो आपको प्रॉपर एड्रेस बता ही देती हूँ। तो ये माइकोटी जो अपना शॉप है ना, उसके पहले वाली शॉप, मतलब उसके पहले वाले नाके पे, मतलब जो सब्ज़ी वाले लोग बैठते हैं ना, जहाँ पे चूड़ियों की पुरानी अंकल की गाड़ी लगती है वहाँ ही पे ये बैठते हैं। तो ऐसा है, तो आई होप कि मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं बर्थडे के नेक्स्ट डे पे, मतलब ये व्लॉग शुरू हो रहा है अब नया वाला। तो यहाँ पे उज़्मा को मैं नहलाने लेके जा रही थी, बट उसको नहाने नहीं जाना है तो उन मस्ती कर रही है यहाँ पे मेरे साथ, और मैं यहाँ पे सारे बलून जो निकल चुके थे उसको मैंने फोड़ा नहीं, उसको मैंने बेड पे डाल के रखा है, क्योंकि उज़्मा को बलून्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और यहाँ पे वो मस्ती कर रही है कि नहीं मुझे नहीं नहाना है, वो एक्चुअली डायपर में है तो उसको माइंड मत करना, बच्ची है वो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं पहना है, तो कुछ पहना है उसने, ओके। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, जैसे कि मैंने रात में बताया था मैंने किचन पूरी तरह से साफ़ कर दिया था, और कुछ खाना मैंने अपने लिए रखा था, ये देखिए दाल गोश है और राइस है, बाकी सारा मैंने जो कुछ था मतलब वो तो डेग मैंने वॉश करके शाम में यहाँ पे बताया था आपको रात में के खाली हो गया, बिकॉज़ जो भी बचा था मैंने सबको बांध के दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हुआ, रिज़क में बहुत बरकत थी माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो है ये अम्मी के घर से आए हुए बर्तन है जिसमें अम्मी ने रात में खाना लेके गए थे अब्बा के लिए, तो ये वो बर्तन रह गए, तो इसको निकाल के मुझे वापस लगाना है। तो ऐसा है, और किचन की हालत कुछ इस तरीके की है, इसको अभी मुझे साफ़ करना है। और यहाँ पे ये कुछ अचार है जो बाबू ने लेके आए हैं, तो ये है मीठा अचार, मतलब अभी मैंने इसको खोल के नहीं देखा कि ये गाजर वाला है या कैरी वाला है, लेकिन है मीठा अचार। और ये है वो बड़ी मिर्ची का जो नहीं कि मसाला भर के अचार बनता है, ये वो, ये मुझे नहीं पसंद है, ये बाबू को पसंद है, तो ठीक है। और एक एक अचार है जो है कि लहसुन वाला, ये भी बाबू को ही पसंद है। मैं अचार इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती, मुझे अगर कुछ पसंद है तो दाल चावल के साथ जो आम का अचार का तेल होता है ना, ऑयल, अचार का ऑयल, वो पसंद है खाना। तो ऐसा है, उज़्मा अभी तक मेरे साथ खेल रही है, वो अभी तक के नहाने नहीं चली है, पानी गर्म हो गया, ठंडा हो गया। और ये डेकोरेशन मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी
के डेकोरेशन तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि इससे फिर धूल ज़्यादा हो जाती है, और साथ ही साथ सोच रही थी ये कर्टन्स भी निकाल दूँ क्योंकि ये मैले हो जाएंगे और फिर जालों का भी डर है। आप लोग सजेस्ट कीजिए करूँ क्या। मैं तो चाह रही थी कि मैं ये कर्टन निकाल दूँ, तो ऐसा है। और यहाँ पे उज़्मा मेरे फिर से भागम दौड़ी कर रही है, देख रहे हो ना आप लोग, पर्दों के पीछे घूम रही है, पर्दे खींच रही है। आप लोग सजेस्ट करना ये पर्दों का मैं क्या करूँ, कोई फंक्शन के लिए यूज़ करूँ या इसको हमेशा रहने दूँ, क्योंकि देखो मेहनत बढ़ जाएगी मेरी। चुप 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 जल्दी चुप, अरे चुपती के देखो चुपती के चुपती के, अरे चुप गई चुप गई चुप गई, अरे चुप गई रे उज्मा, तो चुप गई रे पत्ते के पीते। और कहाँ पहना तू, अरे कह रे कह कह कह, फ्रॉक पहनी है फ्रॉक। अरे बाबले क्या अंदर तुमने कुछ नहीं पहने, मत दिखाओ मत दिखाओ क्या। हाँ जिजुम 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 वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज है नेक्स्ट डे। एक्चुअली कैसा ना, कल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और मैं आप लोगों को बता रही थी ये कर्टन्स वगैरह मैं निकालूंगी। हाँ तो मैं बैठ गई थी एडिटिंग के लिए, बट एडिटिंग इतनी लंबी चली कि शाम हो गई, और शाम को फिर मैं ये ट्यूबलाइट चालू कर रही थी तो ये चालू नहीं हो रही थी। पूरी शाम अंधेरे में निकाली मैं कि बाबू का वेट कर रही थी कब आएंगे और ट्यूबलाइट बनाएंगे, तो उसमें रात हो गई, खाने का वक्त हो गया, तो फिर क्या मैं ब्लॉग बनाती। और खाना भी कुछ बनाना नहीं था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था दाल गोश्त और चावल थे, तो मैंने रात को उसी को बघार मारा था, मतलब तड़का मारा था, सिंपल ऑयल डाल के कांदे को फ्राई कर लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्ची बुक्की ऐड करके थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सी, और उसको मैंने ऊपर से बघार मार दिया था, तो उससे टेस्ट थोड़ा बदल जाता है और खाने का मज़ा फिर और आने लग जाता है। तो बस वही खा लिया था, और मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था कल, वही जो मैं आप लोगों के साथ 2-3 मिनट जो मैं शेयर कर रही हूँ वही था। और वो तो उज़्मा डायपर में थी, एक्चुअली निलाने लेके जा रही थी उसको, तो उसी में मस्ती चल रही थी बच्ची की, तो ऐसा है। ओके तो चलो फिर अभी कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं क्या कर रही थी पता है आप लोगों को, कि उज़्मा के मेरे घर देखो टाइम देखो कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। हाँ 4 बज रहा है। मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया बिकॉज बहुत गर्मी थी और कैमरा ऊपर हाथ में लेने का मन ही नहीं कर रहा था, मुँह पर सारा पसीना, अभी भी ऑयल ऑयल दिख रहा होगा, कितना भी मुँह धो लो 15 मिनट में ऑयल आ जा रहा है फेस पे। तो मैं यहाँ पे धो रही थी कपड़े, ये चल रहे हैं उज़्मा के कपड़े धुल रहे हैं। ये होने के बाद अभी मैं बेडरूम की शक्ल दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए। अब ये कपड़े भी धोना बाकी है, और एक व्हाइट शर्ट मैंने अलग निकाल के रखा है, ये बाबू वाला, ये भी वॉश करना है तो इसको मैं अलग से करूंगी। तो ऐसा है, हालत तो घर की बहुत बुरी चल रही है बहुत पसारा, बहुत काम बढ़ गया और मैं थक चुकी हूँ। ये वही घर आ रहा है जो मैंने पार्टी में पहना था, इसकी घेर देखेंगे आप, कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, इस पे कपड़े टंगे हुए धोने के कपड़े गए, तो मैं इसको निकाल के वो नहीं कर रहा। ये एक पैचा है, ये और लंबा है, ये देखिए ये एक पैचा, और ये पीछे की खिड़की खोले थे मैं बोली ना, ये खिड़की खोलने के लिए मैंने इतना पसारा का जगह बनाई कि मुझे जाके वो खोलने के लिए जगह हो जाए बोल के, वरना कुछ और तो कर नहीं सकते उसका, क्योंकि थोड़ा तो हवा आएगी वहां से लेकिन हवा नहीं आती है, पीछे माला है ना इसलिए हवा नहीं आती है। तो जैसे तैसे वो खोल दिए, बस ऐसे उजाला आ जाएगा बस, और क्या, हवा तो नहीं आने वाली। तो ऐसा है कि कपड़े धुल रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। हाँ और मेरा ना बहुत ज़्यादा थक गई, समझ सकते हैं आप लोग, थकूंगी एडिटिंग में, थक गई मेरी जान निकल गई एडिटिंग में, बिकॉज वो इतनी छोटी छोटी क्लिप उसको बारीकी से चेक करना आप लोगों तक पहुँचाना बहुत टाइम लग गया। तो फाइनली हम लोगों की बर्थडे पार्टी ख़त्म हो गई, और अभी ये कपड़े धो के इसको मैं सुखाने डालती हूँ, सुखाने के बाहर भी धूप इतनी खासी तो है नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। उज़्मा बताओ मैं क्या कर रही है, उज़्मा हाय बोलो, हाय हाय बोलो जल्दी से, जल्दी सलाम करो, सुनो सलाम करो बाबा, सलाम नहीं करते क्यों, मार रहे तुम खुद को। तो देखे आप लोग
वो बाहर खेल रही है बस अभी। दालगोश और है अभी तक। दालगोश को जितना रख के गर्म करके खाएंगे ना उतना अच्छा लगता है। अभी मैं वही खाने जा रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती, वरना फिर आज ब्लॉग बनाने का मन नहीं करेगा। ऐसा होता है ना, थकावट इतनी हो गई ना कि कैमरा हाथ में उठाने की ना इच्छा नहीं हो रही है। देख रहे होगे आप मेरी शक्ल, गर्मी की वजह से इंसान काम करके नहीं थकता, गर्मी की वजह से थकता। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी टाइम में। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ उज़्मा के लिए ब्रंच बनाने के लिए। एक्चुअली हम लोग खाना वाना खा के मैं कपड़े धोने में इतना बिजी हो गई थी, लेकिन मैं कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज उज़्मा मेरे पीछे 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 टहल रही है। तो ऐसा है, यहाँ पे देखिए बर्तन भी धोने के बाकी रह गए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ पता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि ना मतलब बादाम का पाउडर कैसे बनाते हो आप, आलमंड पाउडर कैसे बनाते हो घर में आप। तो कुछ नहीं, बहुत ईजी है। आलमंड लेना है, उसको आपको फ्राई पैन पे है ना सेकना है, गर्म करना है, भूनना है, मतलब जैसे कि हम लोग सेंग को करते हैं ना वैसे भूनना है, उसको ठंडा करके हमको पीसना होता है और कुछ नहीं करना होता है। अच्छा चलता है ये, कुछ भी नहीं होता है अगर आप अच्छे से इसको भूनोगे तो, लेकिन अच्छे से। तब तक मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने कपड़े धो लिए, मेरे कपड़े सूख भी गए। हाँ मैं कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरा ट्राईपॉड साथ नहीं दे रहा है, वो बेचारा थोड़ा कमज़ोर हो गया, उसकी तबीयत ख़राब है अभी। तो मैंने उज़्मा का भी जो ये हैंगर है ये भी बाहर लटका दिया है, थोड़ी धूप लग जाएगी सोच के, बट लेकिन धूप तो है ही नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, धूप नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी हवा लग जाएगी। और कपड़ों में माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आती है ना आजकल, क्योंकि मैं वो कंफर्ट यूज़ कर रही हूँ, कंफर्ट। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज उसकी वजह से ना कपड़ों में एक अलग ही रौनक आती है। और यहाँ पे उज़्मा बाहर ही खड़ी रहती है बिकॉज गर्मी इतनी है ना घर के अंदर कि उज़्मा को घर में आना ही पसंद नहीं है। तो ऐसा है, तो चलिए अपना आलमंड अभी हो गया होगा, मतलब मैं यहाँ से छोड़ के वहाँ गई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आलमंड अभी भी नहीं हुए भून के, ये जब भून जाएंगे ना तो एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है इसके अंदर से, और थोड़े से थोड़े से ना ब्राउन चट्टे पड़ जाते हैं। देखिए आप, उज़्मा मेरे पीछे किचन में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती हो, मेरी मैक्सी खींचते रहती है पीछे से वो, तो मुझे डर लगता है काम करने के लिए, इसलिए मैंने सुबह से कैमरा नहीं लगाया। तो देखिए मेरे आलमंड अच्छे से भून चुके हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है, और इसका कलर देखिए मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाती हूँ, इसमें एक अलग सी खुशबू आती है जब ये पूरे तरह से पक जाते हैं। ये देखिए ब्राउन ब्राउन पूरा भून चुका है अच्छे से। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको ठंडा करके हमें इसको पीसना है। तो देखिए मैंने ये ठंडे हो गए, मैंने इसको मिक्सर में डाल दिया है कंटेनर में, अभी मैं इसको पीस के ये डब्बे में फिल कर दूँगी। और ये आराम से मेरा ना अभी लमसम 5 से 6 दिन चलेगा बिकॉज़ ये उज़्मा को बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से। तो मैं इसका कैसे यूज़ करती हूँ पता है, उज़्मा को ना थोड़ा खाना नहीं खाती है ना, तो मैं उसको लालच देती हूँ बेटा खाना खा लेगी ना तो मैं तुझे बादाम का पाउडर दूँगी, और ये चीज़ वो अच्छे से समझती है, अम्मी बादाम का पाउडर किसको बोलती है। तो देखिए ये मेरा बादाम का पाउडर रेडी हो चुका है अच्छे से, इसको और बारीक कर सकते हैं बट मैंने इसको थोड़ा सी दरदरा रखा है। तो देखिए मैंने इसको इसमें फिल कर दिया, और ये जो बचा कुछ है मैं अभी उसके ब्रंच में ऐड करूँगी। ब्रंच मतलब मैं वही बना रही हूँ, दूध वाला हलवा उसके लिए, मतलब रवा दूध वाला, बिकॉज उसके ना मुंह में थोड़े से छाले हो गए और वो तीखा कुछ भी नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं खा रही है, इवन उसकी फेवरेट मैगी तक नहीं खा रही है, वो नहीं खा रही है। तो मुझे थोड़ा मीठा बना के उसको खिलाना पड़ता है। तो ऐसा है, और यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। थोड़ा सी रवा भूनना होता है, और भूनने के बाद उसमें मैं घी ऐड करती हूँ, उसके बाद दूध या पानी जो कुछ आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध ऐड किया है, और उसके बाद वो बादाम का जो कंटेनर था ना उसके अंदर थोड़ा सी पानी ऐड करके, थोड़ा उसको वेस्ट नहीं होने दिया मैंने, उसको मिला के इसमें ऐड कर दिया है। और मैं इसी तरीके से बना के उज़्मा को खिलाती हूँ, और वो खाती है शौक़ से, लेकिन उसको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उसको मैंने बोला कि बेटा इसमें बादाम का पाउडर है खा ले, तो खा गई, बादाम के पाउडर का नाम सुन के तो वो खाती है माशाल्लाह से। तो ऐसा है, तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया, अभी मैं जा रही थी फ्रेश होने के लिए, बहुत चिकट हो गया फेस, क्या झूठ बोलूँ, सच बात है जो है वो है, हर आधे घंटे में मुंह पे पानी डाल रहे फिर भी है ना, देख के इतनी गर्मी है यहाँ पे, हीट लू वाली गर्मी हो रही है, लू वाली गर्मी। तो ऐसा है, और उज़्मा के लिए मैंने बना दिया नाश्ता, वो क्या ना उसके मुँह में छाले हो गए ना तो कुछ नहीं खा रही, तो मैंने सोचा वो खिला। तो ऐसा है, तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैंने बता दिया वो एक्सेसरीज का एड्रेस जो आप लोग मुझे इतने दिन से पूछ रहे थे। ये ब्लॉग को मैं यहाँ पे इसलिए एंड कर रही हूँ बिकॉज मुझे उज़्मा के चैनल के लिए वीडियो शूट करना है, तो पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ फिर उसको तैयार करती हूँ। वो नहीं क्या उसका गिफ्ट वाला वीडियो जो
आए हैं बर्थडे में, तो गिफ्ट ओपन करना है, तो वो दिखाना है उसके चैनल पे कि उस्मा के बर्थडे में उसको क्या क्या मिला। बिकॉज दोनों चैनल पे मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि उसके बर्थडे का गिफ्ट बताओ, लेकिन वो इंडियन ब्लॉगर नाजिया शेख की आईडी पे नहीं आएगा, वो उसके चैनल पे आएगा, रॉकस्टार उस्मा शेख पे। ओके, तो चलिए फिर, ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया। लव यू ऑल के आप लोग, मतलब एक एक ब्लॉग का वेट कर रहे थे उस्मा के बर्थडे का, तो थैंक यू सो मच। ओके, चलो मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, बाय।